किन्नर अखाड़ा, जल्द राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम और चीफ जस्टिस को लिखेगा पत्र। राम जन्मभूमि मामले में राम मंदिर का समर्थन करने वालों में अब किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो गया है। अब किन्नर भी चाहता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने की मांग किया है। इसके लिए उन्होंने सरकार से कानून बनाने या अध्यादेश लाने की मांग की है। किन्नर अखाड़ा की प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि जहां प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है वहां राम मंदिर का निर्माण अवश्य होना चाहिए। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से अपील करते हुए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए, जिससे जो भारतवर्ष में राम को लेकर जो उल्टी सीधी चर्चाएं हो रही हैं वह समाप्त हो जाएं और समाज को विघटित होने से बचाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कहा कि सभी साधु संतों से अनुरोध कर रहे हैं कि वह सब एकजुट होकर राम मंदिर पर चर्चा करनी चाहिए। किन्नर अखाड़ा राम मंदिर को लेकर मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखकर अवगत कराएगा। श्री महाकान, जितने भी संत हैं सनातन धर्म की गद्दी पे बैठे हैं, मैं सभी का सम्मान करती हूँ। कंप्यूटर बाबा ने क्या कहा और समाज के दूसरे लोगों ने क्या कहा, इससे मुझे क्या लेना देना। राम का मुद्दा क्यों इलेक्शंस के पहले इतना गरमाया जाता है और इलेक्शन के बाद क्यों लोग राम को भूल जाते हैं? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम इतने सस्ते हो गए कि आप अपने बैलेट बॉक्स के लिए यूज़ करें? चाहे धर्म की राजनीति हो या राजनीति की राजनीति, हमारे भोले सनातनियों के साथ ये छलावा क्यों? मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, सभी सम्मान्य, हम किन्नर अखाड़ा है, हम तो सनातन धर्म की दासियाँ हैं। पर जितना तप मेरे राघव के लिए मेरे किन्नरों ने किया वो किसने किया? 14 साल तक माँ तमसा की नदी के तट पे हम खड़े रह गए कि प्रभु आएंगे। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मैंने कहा था हम सत्याग्रह करेंगे। जब मैं माँ भारती के लिए महात्मा ने सत्याग्रह किया तो हमें सत्याग्रह करने से, वो तो हमें सबसे बड़ी सीख है, नॉन वायलेंस। और मैं किसको अल्टीमेटम दूंगी? मैं अपने सर के पगड़ी जो है उसी को अल्टीमेटम दूंगी, जो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, जो इतना बड़ा गरिमा है मेरे देश का और मेरे माथे का, मेरे भारतीय होने का। हमें विरोध है, कुछ बातें हमें भी अच्छी नहीं लगी हैं, पर उस विरोध के स्वर में कहीं अपनापन भी डालो तो काम तो बन जाएगा। मैंने कहा और किन्नर अखाड़े ने यह हमेशा कहा है कि अब राम मंदिर का मामला टाइटल सूट सर्वोच्च न्यायालय के पास है। मैं हिज एक्सीलेंसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिख के अनुरोध करूंगी, अगर दूसरों चीज़ों के लिए फास्ट कोड बन सकता है तो मेरे राम के नाम के लिए वो टाइटल सूट के लिए क्यों नहीं बन सकता? हम सनातनी कब तक टकटकी लगाए, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भी गुजर जाएगी। राम मंदिर कहाँ टूटा नहीं है, थोड़ा शेप बदल गया, वापस शेप बदला, आज तो टेंट में है प्रभु राम। लोगों को तभी भी लज्जा नहीं आती, मैं दरबारी में बैठ के इंटरव्यू दे रही हूँ, इससे आधा प्रभु का टेंट है। जालियों के बीच से टकटकी लगाए देखो तब देखते कि ये राम लल्ला के जन्मभूमि स्थल है, जो कोर्टों में एविडेंस है, भले टाइटल सूट है। अनुरोध करूंगी प्रधानमंत्री को कि आप जुडिशरी से, आप ऑफिशियल वर्क कैसा होता है ये मुझे इतना ज्ञान नहीं है, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुडिशरी ऑफ इंडिया के साथ तालमेल बैठ के ये इलेक्शन से पहले पहले ये मुद्दा आप ख़त्म करें, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मोदी न किसी पार्टी के हैं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सारे दलों के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का पद इतना गरिमा का है
और उस गरिमा का संरक्षण हमें ही करना है, चाहे प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस हो, पर उन्हें भी समझना चाहिए जिस मुद्दे से समाज बट रहा है, जिस मुद्दे से समाज में आतंक का भय है, जिस मुद्दे से, और मेरे राम के नाम से क्यों इतनी तकलीफ। हाय रे, मेरे राम ने तो सबको गले लगाया, मेरे राम को तो पॉलिटिकल फिगर बना दिए हैं। अगर जितने भी सनातन धर्म की संस्थाएं हैं और जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं या जो राम के नाम पे आस्था रखते हैं, एक मंच पे सिर्फ राम लिख दो और सबको खुला न्योता दे दो। हम क्यों अलग 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 इतना पब्लिक का पैसा वेस्ट कर रहे हैं, एक साथ बैठ के करें और उस पर रणनीति बनाए कि सत्याग्रह से और किन्नर अखाड़ा महाशिवरात्रि के बाद, क्योंकि मुझे जहां तक शास्त्र पता है, काग बसुंडी ने पहला रामायण मेरे प्रभु और माता पार्वती को सुनाया। महाशिवरात्रि के बाद हम स्वयं अयोध्या जाएंगे और सत्याग्रह करेंगे। मुझे समाज में किसी भी व्यक्ति का एक भी रक्त राम नाम से जमीन पे बहा तो मैं कैसी सनातनी, कहां वो मर्यादा पुरुषोत्तम की मैं मर्यादा संभाल के चल रही हूँ। अनुरोध है पूरे समाज से और सर्वोच्च न्यायालय से कि कृपया करके ये मुद्दे को कहीं ना कहीं विराम देने का वक्त आ चुका है। जय श्री महाकाल। खबर जगत 24 न्यूज प्रयागराज से पंकज यादव की रिपोर्ट।